तो क्या आपकी पत्नी या आपके पति अक्सर आपसे रूठे रहते हैं? क्या आपके पति आपके हर काम में, हर अच्छे काम में भी गलती निकालते रहते हैं? तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तू ऐसी तू वैसी। क्या आपको लगता है कि आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते हैं? क्या आपका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर है? यदि हाँ, तो आज किए जाने वाला एक महाचमत्कारिक उपाय आपकी मैरिड लाइफ में फिर से ला सकता है ढेर सारी खुशियाँ, प्रेम, मोहब्बत, अपनापन। और यदि आपके पति किसी और औरत के चक्कर में फंस गए हैं, तो इस महाचमत्कारिक उपाय से आपको आपकी सौतन से भी मुक्ति मिलेगी और मिलेगा अपने पति का पूरा और ढेर सारा प्यार। करना क्या है उसको समझ लेते हैं। चूंकि आज फुलेरा दूज है, बड़ा ही शुभ दिन है, आज आपको 16 श्रृंगार करना है। आज आपको 16 श्रृंगार करके भगवान श्री राधा कृष्ण के मंदिर में जाना है, साथ में 2 तस्वीर और 2 बांसुरी भी ले जाइएगा। तस्वीर कौन सी होनी चाहिए? लाल फ्रेम में जड़ी हुई जुगल सरकार की राधा कृष्ण की तस्वीर, लाल फ्रेम में जड़ी हुई जुगल सरकार की राधा कृष्ण की तस्वीर। और दूसरी तस्वीर कौन सी होनी चाहिए? आपकी और आपके पतिदेव की। 2 तस्वीरें हो गई, एक भगवान श्री राधा कृष्ण की, एक आपकी और एक आपके पतिदेव की जॉइंट फोटो, वो भी लाल फ्रेम में जड़ी हुई होनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर माँ श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का आज आपको कच्चे दूध से, पंचामृत से, फलों के रस से अभिषेक करना है। लड्डू गोपाल को वस्त्र प्रदान करना है। माँ राधा को चुनरी अर्पण करनी है, कुमकुम, मेहंदी, काजल, श्रृंगार की सामग्री अर्पण करनी है। विशेष तौर पर आज माँ राधा को चांदी की बिछिया और घुंघरू वाली पायल जरूर अर्पण कीजिएगा। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, ये तो सब आपको अर्पण करनी है। अब आप जो 2 बांसुरी और जो 2 तस्वीर लाए हैं, वो श्री राधा कृष्ण के चरणों में अर्पण करें। श्री राधा कृष्ण की आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें, अपने पति या पत्नी का पूर्ण प्यार पाने की प्रार्थना करें। मां श्री राधा को अर्पण की गई चांदी की पायजेब और बिछिया आप अपने पांव में वही मंदिर के अंदर धारण कर लें। पायजेब अपने पांव में पहन लें और बिछिया भी पहन लें। 2 तस्वीर जो आप लाए थे, उनमें से एक तस्वीर जिसमें श्री राधा कृष्ण है, वो तस्वीर आपको अपने बेडरूम में इस तरह दीवार पर लगानी है कि जहाँ से आपको सुबह उठते ही जुगल सरकार के मनमोहक रूप के दर्शन हों। और दूसरी तस्वीर आपकी और आपके पति की जो तस्वीर है, उसे अपने बेडरूम में आपके सिरहाने की तरफ, आपके बिस्तर में ऊपर की तरफ लगा दीजिए। पर ये ध्यान रखें कि वो जो आपकी और आपकी वाइफ की जो तस्वीर है, वो भूल कर भी दक्षिण दीवार में नहीं हो। 2 बांसुरी जो हमने पूजा में रखवाई थी, वो 2 बांसुरी आपके बेड पर गद्दे के नीचे वी शेप में बनाते हुए सिराने के नीचे रख दी। आपके पाँव में खनकती हुई घुंघरू की आवाज, पाँव में पहनी हुई बिछिया, आपके बेडरूम में रखी हुई तस्वीर, आपके गद्दे के नीचे रखी हुई बांसुरी आपके पति को पूर्ण रूप से आपके वश में करेगी। आपके पति का पूरा प्यार मिलेगा, दूर होगी आपके दाम्पत्य जीवन की कड़वाहटें। आपके पति कुछ दिन तो छोड़, कुछ घंटे भी नहीं रह पाएंगे आपसे दूर।